नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी हम दूसरे से डिस्कशन करते हैं और हमारी ओपिनियंस में क्लैश होता है, देखने समझने में हमारा कुछ अलग व्यू होता है, दूसरे का कुछ अलग व्यू होता है। कभी कभी तो हम आवेश में आकर के उस समय क्रोध या मान के वश सोच नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है, और कभी कभी हमारी इनेबिलिटी होती है, समझ नहीं पाते दूसरा क्या कह रहा है, और कभी कभी समझना ही नहीं चाहते दूसरा क्या कह रहा है, बस अपने हिसाब से ही बस बोलना चाहते हैं। तो अपन अपने कैसे, मैं अपने को मोल्ड करूं जिससे कि अपने डिस्कशंस और कार्य जो है यूजफुल हो पाए, प्रोडक्टिव हो पाए और अच्छा निष्कर्ष निकल पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, और ये सवाल हमारे जीवन के लिए भी और आज हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत उपयोगी है। मैनेजमेंट के हिसाब से भी अगर विचार किया जाए तो व्यर्थ के बातों में जीव उलझाने से हमारा बहुत नुकसान होता है। हमारी संस्कृति में एक शब्द है संवाद और एक शब्द है विवाद। हमारे यहाँ संवाद को महत्व दिया गया और विवाद से बचने की सदैव प्रेरणा दी गई। हम संवाद अपनाएं, विवाद नहीं, विवाद से बचें। आपने पूछा है कि जब हमारी किसी से असहमति होती है, हम अपनी बात सामने वाले को थोपते हैं, उसकी बात को या तो हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते या समझने की कोशिश नहीं करते, ये तीनों चीज़ें कम हमारी एक दुर्बलता है। और इसके अलग अलग कारण हैं। समझना नहीं चाहते वे लोग होते हैं जो अपने आप को पहले से ही श्रेष्ठ मान करके चलते हैं, समझना ही नहीं चाहेंगे। हम जो है सही तुम गलत, अपने आप को जब तक आप सुपीरियर मानने की प्रवृत्ति रखोगे तब तक आप किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये हमें इगोइस्ट बनाएगा, और जब अहंकार हम पर हावी होगा तो हमारा चित्त अड़ जाएगा, और जो अड़ेगा वो लड़ेगा। अडामेंट रहना नहीं चाहिए, मैं सही हूं इसमें कोई बुराई नहीं, पर मैं ही सही हूं इससे बुरा कुछ नहीं। मैं सही हूं वो भी सही हो सकता है, तो हम सुपीरियर हैं इस मानसिकता को पहले हटाइए, वो इन्फीरियर है उससे अपने आप को दूर कीजिए। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा हूं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि केवल मैं ही अच्छा हूं, किसी और में भी अच्छाई हो सकती है, और अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसे हम उसके एंगल से समझने की कोशिश करें। इसमें ना अहंकार पुष्ट होगा ना आवेश आएगा, मन शांत होगा। समझ नहीं पाना ये हमारे अज्ञानता का कारण है या चिंतन की संकीर्णता के कारण भी ऐसा होता है। तो समझना नहीं समझना, समझ नहीं पाना या समझने की कोशिश नहीं करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। वो तो समझना ही नहीं चाहेगा जो इगोइस्ट होगा, जिसके अंदर अज्ञान होगा या जिसकी सोच थोड़ी संकुचित होगी वो समझ नहीं पाएगा। आप कितना ही बताएं उसके बुद्धि का लेवल कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने भीतर गुणग्राहिता डेवलप करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरे से भी बेहतर कोई और है, और अगर कोई अच्छी बात है हमें नहीं समझ पाए तो दोबारा उससे रिक्वेस्ट करके उसकी बात को समझना चाहिए, या एकांत में बैठ करके उसकी बात का विचार करना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए। सामने वाले की बात को पूरी तरह समझे बिना अगर आपने निर्णय लिया तो ये असमग्र चिंतन होता है, और कभी कभी इसके परिणाम बहुत भयावह हो जाते हैं। हमें सामने वाले की पोजीशन को देख करके, समझ करके, पहले से सोच करके चलना चाहिए कि ये काम, जैसे आपने किसी को कुछ आदेश दिया, आपका सबऑर्डिनेट है, आपने उससे कहा ये काम आपको करना है और सामने वाले ने वो काम नहीं किया, आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, आवेश आएगा। तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये एक चिंतन है, और उसके बाद जो होगा वो आप लोग रोज भोगते हो। लेकिन उसी घड़ी ये सोचा जाए कि इस आदमी ने काम नहीं किया या कर नहीं सका, आपने उसके ऊपर रौब झाड़ना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया, उसने कहा हम काम करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन क्या करे, हम गाड़ी निकाल रहे थे, पता लगा गाड़ी का व्हील ही पंचर था, मैं आपको केवल जवाब देने के लिए आया हूँ, गाड़ी नहीं है, जाने के कोई साधन नहीं है, अब हम क्या करें? अब बोलो, आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलत कह दिया इसको? हाँ जी। तो भैया
कोई भी सामने वाला गलत काम करे और उस पर गुस्सा आए तो ये सोचो ना कि जरूर इसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। अपने सोच को जब हम समग्र बनाएंगे तो कभी हम ऐसी स्थितियों से दो चार नहीं हो पाएंगे। और समझ नहीं पाना, समझना ही नहीं चाहना, समझने की कोशिश नहीं करना, तो ये हमारी दुर्बलता है। अभ्यास बढ़ा करके अगर हम करेंगे तो हमारा श्रम भी कम खर्च होगा और हमारी शक्ति का भी अपव्यय नहीं हो सकता।